हेलो दोस्त नमस्ते। आज हम गया जिला के इमामगंज के रानीगंज में आए हुए हैं। आज यहाँ ओपिनियन लोग का लेंगे कि क्या जो है ना ये उपचुनाव में क्या किस मुद्दा पर लोग वोट करेंगे। चलिए जो है ना इसके विषय में जानकारी लेते हैं। इस बार जो उपचुनाव होना है चाचा, तो क्या मतलब मुद्दा होगा जो इस चुनाव में? लोग तो कहते हैं कि नेता आते हैं ठहकर चले जाते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, तो इस बार मुद्दा क्या होना चाहिए आप लोग का? देखिए, हम लोग के रानीगंज तो नगर पंचायत हो ही गया है, लेकिन नगर पंचायत से हम लोग के टैक्स भी लग रहा है, मतलब कि बिजली विभाग बिजली बिल में भी बहुत ज्यादा हम लोग कहती है, लेकिन इससे कोई नगर पंचायत होने से हम लोग के लॉस छोड़ करके फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर टैक्स की बात किया जाए चाचा, तो जहाँ तक हम लोग सुबह अगर आँख खोलते हैं तब से लेकर और रात तक सोने तक हम लोग टैक्स से भरते रहते हैं। अगर एक नमक खरीदने जाइए उस पर भी टैक्स है ना। पहले जो नगर पंचायत नहीं था तो एक्स्ट्रा टैक्स ना हम लोग पर लौट दिया गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा टैक्स ना है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इस बार सरकार से आप क्या आशा करते हैं? क्या आशा करेंगे सर, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश जी से कोई खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। अच्छा, तो फिर आरजेडी से? आरजेडी से आरजेडी के क्या किया जाए? आरजेडी भी तो दोनों एक ही चट्टे बढ़ते हैं। और एक नया सुनते हैं चाचा, आया है मार्केट में अभी तुरंत लॉन्च किया हुआ है, जनसुराज। जनसुराज उसके विषय में क्या कहना है? उसके विषय में सुनने में आता है कि अगर जो उसका सत्ता आ गया तो कुछ तो विकास होगा, कुछ परिवर्तन होगा ही। अच्छा। निश्चित है, जनसुराज पार्टी के बारे में हम बता रहे हैं, ओपिनियन अपना दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होना ही चाहिए, उम्मीद है। अच्छा अच्छा, यानी कि नया विकल्प हर किसी को चाहता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।